Podcasts. Hi guys, welcome back to my channel Stay Beautiful with Jyoti. कैसे हैं आप सब? I hope आप लोग बहुत अच्छे होंगे, घर पे होंगे और सेफ होंगे. सो गाइज, आप लोगों ने बहुत बार मतलब मुझसे पूछा है मेरे मेकअप वीडियोस में, ठीक है. और मैं भी इस चीज़ को करने में बहुत नई नई थी, जब मुझे भी बहुत डर लगता था कि यार पता नहीं मैं मुझसे हो पाएगा या नहीं, मैं कर पाऊंगी या नहीं. बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, हो जाती हैं, तो इसलिए तो मैंने भी सोचा कि एक बार ट्राई करते हैं. ट्राई इट मीन्स कि मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया था रेफल साड़ी वाले पे, देन इसके बाद मैं आई थी. तो आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ एक अच्छी सी चीज़ जिनको नहीं आता है आईलैशेज लगाना, उनके लिए हेल्पफुल होने वाला है. सो गाइज, ये वाला मेरे पास पूरा पैक मैंने मंगाया था, आई थिंक 6 or 7 month पहले मैंने मंगवाया था इसको. क्या कहते हैं, शीन से, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है. सॉरी, मैं कोई चाइना ब्रांड का प्रमोट नहीं कर रही हूँ, बट मेरे पास था, क्वालिटी काफ़ी अच्छी आई थी, इस वजह से मैंने मंगाई थी. सो फर्स्ट एंड लास्ट टाइम ही शॉपिंग किया था. तो जो आप ये देख रहे हैं, ये वाली मैंने मीशो से परचेज की थी. और जिनकी ये वाली जो लैशेज हैं, ये वाली, ये सारी क्या कहते हैं, शीन से आई हुई थी. तो ये मेरे पास है. और जब मैंने मीशो से आई लैशेज मंगवाए थे तो उसके साथ मुझे ये ग्लू मिला था, आप देख सकते हैं, आई वाटरप्रूफ आई लैशेज एडसेंसिव क्लियर वाइट ग्लू, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं. बहुत सारे लोगों के पास ऐसा होगा. तो इसी को ही मैं अपने हर मेकअप वीडियो में यूज़ करती हूँ, और इन्हीं को ही जो भी परफेक्ट मिक्स एंड मैच करके मैं यूज़ करती हूँ, और ये आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है. तो चलिए देर नहीं करते हैं, हम फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं और बताते हैं कि आई लैशेज लगाना कितना ईजी है. थोड़ा सा ट्रिकी है, बट हाँ, आप लोग सीख जाएंगे, ये डेफिनेटली है, ये मतलब डेफिनेटली आप लोग सीख जाएंगे आई लैशेज को कैसे प्लेस करते हैं, राइट टाइम पे, राइट समय पे कैसे प्लेस करना है. तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं. 1 2 3 गो. मैं यहाँ से शीन की लैसेज उठा रही हूँ. यहाँ पे मैंने 2 लैसेज को सेट किया हुआ है, आप देख सकते हैं. और आपको सबसे अच्छी बात ये लगेगी इन लैशेज में कि आप इनको वॉशेबल हैं, आप इनको धो के, जो टूथब्रश होता है उससे धो के, साबुन को ऐसा भी ब्यूटी बार ले सकते हैं, धो के आप इसको अच्छे से रख दीजिए, ये आपको रीयूज हो जाएंगे बहुत आराम से. नए खरीदने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. मैंने ही नहीं खरीदी तो मैं किसी को नया खरीदने का सजेशन नहीं देती. तो क्या करते हैं, पहले एक आई लैशेज उठाते हैं. पहले आपको मेजरमेंट करना होता है कि आपके आई लैशेज के बराबर हैं या नहीं. तो ये देखिए बिल्कुल फिट आती हैं, जो शीन की लैशेज हैं मुझे बिल्कुल फिट आती हैं, बिल्कुल शेप उनका बिल्कुल एग्जैक्ट है जैसे मेरी आईज का है, है ना. तो इसको मैं कट नहीं करूँगी, वरना आपको आगे से या पीछे से जैसे ही आपको लगे, आप आगे से यहाँ से ये 2 लेयर्स जो हैं, मैं आपको बता दूँ, ये 2 लेयर्स हैं, इनको आपको कट करना होता है, ठीक है. आप कट कर सकते हैं तो ये आपके आई लैशेज के बराबर आ जाएंगे. और पता नहीं क्यों मेरे वीडियोज़ में ये प्रॉब्लम तो होती है, लाइट का इशू तो बहुत होता है. सो इसलिए, और व्लॉग देखा या नहीं, मैंने रोज़ व्लॉग डाल रही हूँ, रोज़ वीडियोज़ डाल रही हूँ, तो प्लीज़ जाके देखिए. और अब हमें क्या करना है, इसको ऐसे रखना है और इस पे जो ग्लू है उसको ऐसे लगाना है. पता नहीं, इसको मैंने बहुत टाइम से कोई मेकअप वीडियो किया नहीं है, तो मे भी ये यस स्टिकी हो गया है अंदर से. सो चलिए दिखाते हैं कैसे यूज़ करते हैं. ये स्टिकी हो गया, इसमें अंदर पिन लगानी पड़ेगी फिर ये निकलेगा. सो इस पिन की हेल्प से इसको मैं से इसमें एक होल ऑलरेडी है, बस इसको खोलना है. मैंने पिन डाल दिया है और ये पिन गई और ये अब खुल जाएगा. सो फटाफट से हम इस पर लगा लेते हैं. तो ये देखिए, यहाँ पे मैं ग्लू लगा रही हूँ, मैं कैमरे के सामने लगाती हूँ. आपको ऐसे जो ये लाइंस बनी हुई है लैशेस के ऊपर, आपको इन पे अच्छे से ग्लू लगाना है. ये आप देख सकते हैं, ये ग्लू लग चुका है. उसको थोड़ी देर ऐसे छोड़ना है, होल्ड करना है आपको इसको थोड़ी देर ऐसे ही, और फिर इसको, है ना, थोड़ा सा इसको ऐसे कर देना है. ये देखिए, ये हो गई है. अब आपको इसको कुछ भी नहीं करना है, आपको आपके आईज के पास लेके जाना है और पहले मिडल से चिपकाना है. सो कुछ इस तरह से, और फिर आपको यहाँ पे सेटल कर लेना है. यहाँ पे मिरर लेके नहीं बैठी हूँ इसलिए मुझे पता नहीं है, बट हाँ मैं अंदाजे से चिपका रही हूँ.
ये अच्छे से चिपक जाए। ये आप देख सकते हैं, सो ऐसा ऐसा कुछ है। अब आपको डिफरेंस दिख रहा है, ऐसे ही आपके आई लुक में भी डिफरेंस दिखेगा। चलिए मैं दूसरा भी लगा लेती हूँ, वरना मैं भूत नहीं दिखूंगी आप लोगों को। देखो ये दोनों आईज पे लग चुका है, इसको सेटल होने देना थोड़ी देर, एंड देन इसके बाद मस्कारा लगाना। सो आप कोई सा भी आईलैशेस यूज कर सकते हैं, कोई भी आईलैशेस आप लगा सकते हैं, ठीक है, कोई भी आप आईलैशेस खरीद सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप यही वाला खरीदें। हाँ, बट मेक श्योर करना कि जो उसका ग्लू हो काफ़ी अच्छा हो। आप स्विस ब्यूटी का यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास ये है तो मैं इसे यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये आईलैशेस के साथ फ्री आया था, मैंने मीशो से ख़रीदा हुआ था तो आईलैशेस के साथ ये फ्री आया था, तो इस वजह से मैं इसे यूज़ करती हूँ। और कोशिश ये करें कि मतलब ज़्यादा केमिकल वाला ग्लू यूज़ ना करें, क्योंकि आपकी आईज में भी जाने का डर रहेगा तो उसके कारण। तो आप बताइएगा आप लोग के लिए कितना हेल्पफुल रहा ये वाला वीडियो। आई होप आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल गाइज। प्लीज़ क्या कहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और सबको सपोर्ट करो। अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हम किसी और को भी आगे बढ़ाएंगे। और अगर कुछ भी वीडियो नया सजेशन हो, कुछ भी वीडियो के लिए कुछ भी अच्छा सजेशन हो, या कोई भी मेकअप लुक देखना चाहते हो, कोई ब्लॉग देखना चाहते हो, कोई चैलेंज देखना चाहते हो, तो नीचे मुझे कमेंट करके बताएगा, मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो और ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय गाइज, लव यू ऑल, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय गाइज़।